Only a perfect practice makes a man perfect. With this universal principle, YouTube channel HP Competitions @all welcomes you. Today's topic is Kinnaur Tatha Chamba Ki Parvat Chotiya, Mountain Peaks of Kinnaur and Chamba. सबसे पहले हम बात करते हैं किन्नौर जिले की, और किन्नौर जिला जो विशेष रूप से आपके समक्ष यहाँ पर है, इसमें आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि किन्नौर के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं और जो सीमाएं हैं, वैसे तो किन्नौर जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा जिला है। इसकी जो सीमाएं हैं ये पूर्व के साथ, यहाँ पर जो मैंने आपको ये लाइन दिखाई है, ये सीमा जांस्कर श्रेणी जो है वो तिब्बत के पठार से अलग करती है, अर्थात चीन के साथ जो है वो ईस्टर्न बाउंड्रीज की लगती है। ये जो आपके पास क्षेत्र हैं ये उत्तराखंड के साथ लगता हुआ क्षेत्र हैं। ये जो किन्नौर जिले का क्षेत्र हैं ये शिमला जिला के साथ लगता हुआ क्षेत्र हैं। ये जो क्षेत्र हैं ये कुल्लू के साथ लगता हुआ क्षेत्र हैं, और ये वाली जो सीमा है ये लाहौल स्पीति के साथ लगने वाली सीमा है। इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता रहा हूँ ताकि आपको एक रिविज़न इससे हो जाए। अब बात करते हैं किन्नौर की प्रमुख चोटियों की, और जो चोटियाँ किन्नौर की हैं इनमें सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ऊंची चोटी किन्नौर की ही नहीं प्रदेश की भी है, शिला। और शिला की हाइट है 7,026 मीटर। उसके पश्चात दूसरी जो महत्वपूर्ण चोटी है वो आपके समक्ष है रियो परजियाल, इसे रियो परजियाल भी कई पुस्तक में कहा गया है, और इसकी हाइट है 6,816 मीटर। तीसरी जो महत्वपूर्ण हाइट है ये हाइट है निंजेरी, और इसकी जो हाइट है 6,646 मीटर। अगली जो महत्वपूर्ण चोटी किन्नौर की है वो है शिपकी, और इसकी हाइट है 6,608 मीटर। इसके पश्चात जो अगली महत्वपूर्ण चोटी किन्नौर की है वो है ग्रेनाइट, और इसकी हाइट है 6,585 मीटर। उसके पश्चात अगली जो महत्वपूर्ण चोटी किन्नौर की है वो है रंगरीक, और जिसकी हाइट है 6,646 मीटर। अगली महत्वपूर्ण चोटी किन्नौर की है वो है किन्नर कैलाश, और उसकी जो हाइट है 6,500 मीटर है। उसके पश्चात महत्वपूर्ण चोटी किन्नौर जिले की आती है जौरकांदेन, और उसकी हाइट है 6,473 मीटर। उसके पश्चात अगली जो महत्वपूर्ण चोटी किन्नौर की है वो है फारंग, और उसकी हाइट है 6,350 मीटर। तत्पश्चात महत्वपूर्ण चोटी जो किन्नौर की आती है वो है गांगचुआ, और उसकी हाइट है 6,646 मीटर। अगली महत्वपूर्ण चोटी किन्नौर जिले के अंदर जो है वो है पिशु, और उसकी हाइट है 5,672 मीटर। नेक्स्ट जो चोटी है उसकी हाइट 5,607 मीटर है, और चोटी का नाम है गुशू। और अंतिम जो क्लासिफाइड चोटी किन्नौर की है उसे रलडांग कहा गया है, और रलडांग की हाइट 5,499 मीटर है। डियर रीडर्स, आपकी जानकारी के लिए यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि जो चोटियाँ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हैं ये एज इट इज़ लोकेशन इसकी मैप पे नहीं है। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने एक क्रम बनाया है ताकि आपको याद रह सके कि किस प्रकार जो किन्नौर की चोटियाँ हैं किस क्रम में जो है इसको याद रखा जा सकता है हाइट के अनुसार। जैसे शिला की सबसे पहले सर्वोच्च चोटी है तो उसको मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है, और जो सबसे अंतिम जो चोटी की हाइट जो दी गई है वो सबसे कम है रलडांग की, वो इसलिए मैंने उसको सबसे लास्ट में जो इसमें इंक्लूड किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें और कई चोटियाँ नहीं है, और भी बहुत सारी चोटियाँ हैं, और उन चोटियों को विशेष रूप से हम ये कह सकते हैं कि वो अनक्लासिफाइड चोटियाँ हैं और अभी उनको क्लासिफाइड नहीं किया गया। अधिकतर प्रश्न जो है वो इन्हीं चोटियों से पूछे गए हैं। अब बात करते हैं कि ये जो चोटियाँ आपके समक्ष लिखी गई हैं इनको आपने कैसे याद रखना है, क्योंकि ये तो आपको और सारे लेक्चर्स में भी आपको मिल जाएगा, बुक्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको याद रखने का तरीका क्या है, किस, तो इसके लिए जो ट्रिक्स मैंने अपनाई हैं उसको आप भी देखिए, और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ बेनिफिट है तो आप इसको ज़रूर अपनाएं। जैसे मैंने सबसे पहले किन्नौर में जो शिला चोटी है वो सर्वोच्च चोटी है, और उसकी हाइट मैंने आपको पहले भी बताई है 7,026 मीटर, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। और इसकी शिला का मैंने जो वर्ड शी है वो इसको अलग किया है,
इसी तरह से रियो पर्जियाल का रियो मैंने जो है इसमें से सेपरेट कर दिया, निंजेरी का नी मैंने इसमें से सेपरेट कर दिया, शिपकी का शिप जो है मैंने इसको सेपरेट कर दिया, ग्रेनाइट का ग्रे मैंने इसमें से अलग कर दिया, रंगरीक का रंग मैंने इसमें से अलग कर दिया, किन्नर कैलाश का किन मैंने इसमें से सेपरेट कर दिया, जोरकानदेन में से जोर वर्ड मैंने डिफरेंटली अलग लिखा, फारंग का फा मैंने इसमें से अलग करके लिखा, गंग चुआ का गंग जो है वो अलग करके लिखा, पिशु का पी अलग करके लिखा, गुशु का गु अलग करके लिखा और रलडांग का डांग जो है वो मैंने अलग करके लिखा है। ये इसलिए लिखा है कि इससे जो ट्रिक्स हमने बनानी है ताकि उस ट्रिक्स को हम जो है वो आसानी से समझ सके और उसके अनुसार जो है वो हम इसको याद कर सके। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बड़े क्लियरली बताना चाहता हूँ कि जो ये चोटियाँ हैं, ये जो शिप रियो नी शिप ग्रे रंग किन जोर फुआ गंग पी गु डांग, ये जो लिखा है ये एक क्रोनोलॉजी बनेगी आपके पास। हाइट के अनुसार सबसे ऊंची चोटी सबसे पहले लिखी गई है और सबसे जो है लोएस्ट चोटी सबसे बाद में लिखी गई है। अब इससे जो एक्रोनिम बनता है, जो एक ट्रिक्स है जिसको कि आपने याद रखना है और आपकी सारी चोटियां याद इससे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ये जो हमारे पास ट्रिक्स बनती है उस ट्रिक्स का नाम जो है वो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। शी रियो नी शिप ग्रे, शी का मतलब है शीला, रियो का मतलब है रियो परिजाल, नी का मतलब है निंजेरी, शिप का मतलब है शिपकी और ग्रे का मतलब है ग्रेनाइट। ये हमारे पास जो है वो एक एक्रोनिम इसमें से बन गया है, उस एक्रोनिम को जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरा जो आपके पास एक्रोनिम बनेगा वो एक्रोनिम हमारे पास बना है रंगकीन जोरफवा। रंगकीन जोरफवा का मतलब यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, वैसे तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। रंग का मतलब है रंगरीक, रंग का मतलब रंगरीक है और किन का मतलब जो है आपके पास किन्नर कैलाश है, जोर का मतलब है जोर कांदेन है, फ्वा का मतलब जो है वो फ्वा रांग है। तो ये आपके पास जो है वो महत्वपूर्ण एक्रोनिम जो है इससे बन चुका है। अब अगला जो लास्ट हमारे पास जो महत्वपूर्ण चोटियाँ बची हुई हैं उन चोटियों को हम जो है वो कैसे एक एक्रोनिम में बदलते हैं, वो आपके पास बनती है गंग पिगु डांग। गंग पिगु डांग का मतलब है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, गंग का मतलब है गंग चुआ, पी का मतलब है पिशु, गु का मतलब है गुशु और डांग का मतलब है रलडांग। अर्थात ये हमारे पास एक प्रकार की ऐसी चोटियाँ जिसका एक्रोनिम हमने बनाया है, इसको आप बड़ी आसानी से सरलता से यहाँ पर समझ सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, इसको क्विकली आपने याद सिर्फ इतना रखना है, शीरियोनी शिपग्रे रंग कीन जोरफवा गंग पीगु डांग। शैल आई रिपीट अगेन, शीरियोनी शिपग्रे रंग कीन जोरफवा गंग पीगु डांग। ये आप जब याद रख लेंगे तो इसका मतलब है कि क्रमानुसार आपको जो चोटियां हैं वो बड़ी आसानी से याद हो सकती है। अब बात करते हैं कि हाइट को कैसे याद रखा जाए, क्योंकि ये तो एक क्रोनोलॉजी, ये तो आपके पास क्रम बना सिर्फ हाइट के अनुसार, लेकिन हाइट कैसे जो इसकी याद रखी जाए इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स और बताने जो वो चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, जो हमारे पास चोटियाँ थी उन चोटियों की हाइट जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उन चोटियों की हाइट को विशेष रूप से मैंने उसी क्रम के अनुसार जो है यहाँ पर लिखा है। इसमें से कुछ चीज़ें हम कॉमन चीज़ें जो है वो उसको अलग करेंगे ताकि आपके याद रखने के लिए बहुत छोटा या कम डाटा आपके पास रह सके। तो यहाँ सबसे पहले जो बात करते हैं शिला चोटी की, जो कि किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट 7026 मीटर है, इसको मैंने जो है K7C26, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको लिखा है, इसको याद नहीं करना है। याद जो आपने करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपने इसमें से याद करना है। के का मतलब किन्नौर है और के का मतलब 1000 से भी आप ले सकते हैं। 7000 का मतलब 7K का मतलब हुआ कि जो शिला की हाइट है वो 7000 से शुरू होती है और कितनी है मैक्सिमम जो है वो 7026 है। तो मैंने इसमें से जो है वो आपको याद करने के लिए सिर्फ क्या आपने इसमें से लेना है C26। इसी तरह से जो अगली चोटियां हमारे पास यहां से लेकर के ये यहां तक की चोटियां आती हैं ये सारी 6000 की हाइट में आती हैं। तो 6000 आपके पास कॉमन है, किन्नौर भी आपके पास कॉमन है, जैसे कि 6K सब में मैंने आपको लिखा, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लिखा है, यहाँ पर आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो याद आपने करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आपने इसमें से याद करना है। याद आपने ये करना है कि रियो
816 मैंने इसमें से जो लिया है वो रियो 816 लिया है। ये किस लिए लिया है? ये इसलिए लिया है रियो 816 ताकि आपको 6000 तो कॉमन है, उसको आप पहले ही अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। तो रियो 816, 6 रियो 816 का मतलब है 6816 रियो की हाइट है। और नी 446 मैंने 646 सॉरी लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि किन्नौर में जो निंजेरी चोटी है उसकी हाइट 6646 है। इसी तरह से शिप 608 का मतलब ये हुआ कि शिपकी की हाइट 6608 है। ग्रे 585 का मतलब ये हुआ कि ग्रेनाइट की हाइट जो है वो 6585 है। रंग 553 का मतलब ये हुआ कि रंगरीक की हाइट जो है 6553 है। किन 500 का मतलब ये हुआ कि किन्नर कैलाश की हाइट जो है वो 6500 है। जोर 473 का मतलब ये हुआ कि जोर कांदेन की हाइट जो है 6473 है। और फ्वा 350 का मतलब ये हुआ कि फ्वारांग की हाइट जो है वो 6350 है। गंग 288 का मतलब ये हुआ कि गंग चुआ की हाइट जो है वो 6288 है। इसी तरह से अगर 5000 की श्रेणी में हम देखें तो 5000 की श्रेणी में हमारे पास यहाँ जो है तीन चोटियाँ आती हैं। एक है पिशु, दूसरा है गुशु, तीसरा है रलडांग। इसको याद रखने के लिए पी 600 हमारे पास जो आती हैं 72 आती हैं, गु 670 हैं और डांग 499। पी 670 का मतलब ये हुआ कि पिशु की हाइट जो है वो 5672 हैं और गुशु की हाइट जो है वो 5607 हैं और रलडांग की हाइट जो है वो 5499 है। ये आपने इसी तरह से जो इसको याद रखना है। कुल मिलाकर के जो हमारे पास इसका एक और सिंपलेस्ट जो तरीका है, उस सिंपलेस्ट जो तरीके को है हम कैसे इसमें बना सकते हैं, इस तरीके को मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ कि कैसे इसका तरीका जो आपके पास आएगा, क्या एक्रोनिम जो आपके पास इसका बनेगा। जैसे कि 7000 मैंने आपको कहा कि ये कॉमन है, इसी तरह से जो 6000 है वो इन चोटियों में कॉमन है और 5000 जो है वो नीचे की तीन चोटियों में कॉमन है। हमारे पास जो लर्न करने के लिए एक फॉर्मूला बनना है वो फॉर्मूला आपके समक्ष ये रहा और इस फॉर्मूले को आपने लिख करके इसको क्रैमिंग करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ, कुछ चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेगी क्योंकि रट्टे के बिना या मैं ये कहूँगा कि कुछ फैक्ट्स के बिना आपकी तैयारी अधूरी है। कोई भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग ट्रिक्स नहीं बनी है जो कि ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएं। आपके लिए वो ज़रूरी हैं कि आप उन ट्रिक्स को लिख लें, बार बार याद करें, बार बार उनको लर्न करें। तो सबसे पहले मैं बात यहाँ करता हूँ कि के मैंने सबसे बाउंड्री में लिखा है, के सबसे एक्सट्रीम जो है वो लेफ्ट में लिखा है। के का मतलब है सारी चोटियाँ किस में है, किन्नौर में है। सबसे पहले इज इक्वल टू 7C26 का मतलब है 7026 शिला की हाइट है, शी बीच में आ गया। 6000 का मतलब है 6000 से यहाँ से शुरू हुआ। किस किस की हाइट आती है, रियो 816 यानी 6816, निंजेरी 6646 है, शिपकी 6608 है, ग्रेनाइट 6585 है, रंगरीक 6553 है और किन्नर कैलाश 6500 है और जोर कांदेन 6473 है, फ्वारांग जो है वो 6350 है और गंगचुआ जो है वो 6288 है। साथ में इसके बाहर मैंने 5 लिखा है। 5 का मतलब है ये जो तीन चोटियां हैं वो 5000 की रेंज में हैं, जिसका आपके पास ट्रिक्स बन सकती है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। पी 672 का मतलब है कि पिशु की हाइट 5672 है, गु 670 का मतलब है कि गुशु की हाइट 5607 है और डांग 499 का मतलब है कि रलडांग की हाइट 5499 है। चंबा जो है वो एक महत्वपूर्ण जिला हिमाचल प्रदेश का रहा है। इसमें जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं वो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं पीर पंजाल की। पीर पंजाल की जो हाइट है वो है 5972 मीटर। उसके पश्चात सेकेंड जो महत्वपूर्ण चोटी है वो आती है बड़ा कांडा और उसकी हाइट है 5860 मीटर। उसके पश्चात नेक्स्ट जो चोटी है वो है मणि महेश 5660 मीटर। अगली चोटी महत्वपूर्ण जो चंबा की चोटी है उसका नाम है थामसर, कई बुक में तामसर भी लिखा है और इसकी हाइट है 5580 मीटर। अगला जो महत्वपूर्ण चोटी आती है वो है गौरी टिब्बा और इसकी हाइट है 4030 मीटर
और उसके पश्चात जो नेक्स्ट जो चोटी आती है नारसिंह टिब्बा, और इसकी हाइट है 3730 मीटर। ये आपके पास जो चोटियाँ आई हैं उस चोटियों को कैसे आपने एक एक्रोनिम की सहायता से याद रखना है ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। इसमें भी सबसे पहले पीर पंजाल, हाइट में पहले बता चुका हूँ, पीर पंजाल में से पीर हमने लिया, बड़ा कांडा में से मैंने बड़ा इसका शब्द अलग ले लिया, मणि महेश में से मणि जो है वो शब्द अलग ले लिया, और थामसर में से थाम जो शब्द मैंने इसमें से अलग ले लिया, और गौरी टिब्बा में से जो है वो गौरी शब्द इसमें अलग जो है मैंने लिया है। वो एक्रोनिम आपके पास यहाँ जो बनी वो है पीर बड़ा मणिथाम गौरीनार, पीर बड़ा मणिथाम गौरीनार। इस तरह से पीर पंजाल, बड़ा कांडा, मणि महेश, थामसर, गौरी का टिब्बा, नरसिंह टिब्बा, आप इस एक्रोनिम से जो है वो इसको लर्न कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक आपके पास हाइट के अनुसार क्रोनोलॉजी बनी, क्रमानुसार बना। अगर आपने चोटियां याद रखनी हैं हाइट के अनुसार, हाइट उसकी याद रखनी है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आपके पास बन सकता है ये मैं आपको तुरंत जो है इसमें आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले देखिए सी मैंने अलग लिख लीजिए, सी का मतलब है ये चंबा की ही सारी चोटियाँ हैं, फाइव, फाइव का मतलब है 5000, पीर 972, पीर पंजाल 5972, बड़ा 860 यानी 5860 बड़ा कांडा की हाइट है, मणि 660 का मतलब है कि मणि महेश की हाइट 5660 है, थाम 80 का मतलब है कि थामसर की हाइट 5080 मीटर है। इसी तरह से चार गौरी 30 का मतलब है 4030 किसकी हाइट है, गौरी की टिब्बा की हाइट है, तीन नार 730 का मतलब है कि नारसिंह टिब्बा की हाइट 3730 मीटर है। अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो लाहौल स्पीति और शिमला की प्रमुख चोटियों पर होगा, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप क्लिक करके हर एक टॉपिक का जो क्वेश्चन नेचर्स हैं या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो बनाई गई है जिसमें कि बहुत अच्छे प्रश्न और प्रमुख रूप से उन्हीं प्रश्नों के ऊपर फोकस किया गया जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर सॉल्व करें, अपना मूल्यांकन करें, और अपने अपडेशन के लिए रिसेंट जो हमारी पोस्ट आती हैं उसको जानने के लिए समझने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम बड़ी शीघ्रता से सरलता से आपको बहुत अच्छी जानकारी हिमाचल के जीके की आपको प्रोवाइड कर सके। थैंक यू वेरी मच।